भारत के विकास योजनाओं की उपलब्धियां। इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? इससे पहले अपन ने समानताएं पढ़ी थी, इसकी निरपेक्षता। ये भारत के आधुनिकरण के लिए था। अब ये भारत में विकास योजनाओं की उपलब्धियां। तो भारत की जो विकास कब हुआ? 1947 से। सन 1947 में देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक नीति का निर्माण किया गया और पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा आर्थिक विकास करने का निश्चय किया गया। सन 1951 में अप्रैल में पहली पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई। अब तक कितनी वर्षीय योजना हो गई बेटा? 12 हो चुकी हैं कंप्लीट। 12वीं पंचवर्षीय योजना चल, अब अपन की 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। इन 6 दशकों में आर्थिक विकास हुआ, उसका बहुत बड़ा भाग योजना के बिना संभव नहीं था। भारत में 62 वर्षों में, मतलब जो 62 वर्ष थे उनमें नियोजन के फलस्वरूप कुछ उपलब्धियां रहीं, जिनका विवरण बेटा निम्नलिखित है। सबसे पहले है राष्ट्रीय आय। तो अगर किसी देश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की दिशा पहला संकेत है राष्ट्रीय आय, जो 1950-51 में 29,2,92,946 करोड़ रुपए थी, और आधार वर्ष में कितनी, 2005 में और 2014-15 में बढ़कर 104 करोड़ हो गई। तो इससे राष्ट्रीय आय लगभग कितनी बढ़ गई? 36 गुना बढ़ गई। फिर है प्रति व्यक्ति आय। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय अपने आप ही बढ़ जाएगी। 1950 में प्रति व्यक्ति आय 7,553 रुपये से बढ़कर, मतलब करोड़ रुपए से बढ़कर 14-15 में 77,889 रुपये तक, करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वर्तमान में 86 लाख करोड़ रुपए है। पूंजी निर्माण की दर। अर्थव्यवस्था में योजना काल के आरंभिक वर्षों में पूंजी निर्माण की दर कैसी थी बेटा? कम। परंतु अब पूंजी निर्माण की दर में सुधार हुआ है। अभी जो अपनी स्थिति चल रही है कोरोना वाली, इसमें भी अपनी पूंजी निर्माण दर भी कम है। 1950 में 50-51 में निर्माण की दर घरेलू सकल उत्पादन लग का 9.3% थी, जो बढ़कर वर्ष में 14-15 में कितनी हो गई? 34.2% हो गई। तो ये है पूंजी निर्माण की दर। फिर इसके बाद है बेटा कृषि क्षेत्र। नियोजन काल में कृषि के उत्पादन से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खाद्यान्न उत्पादन में जो 1950 में 508 लाख टन था, वह बढ़कर कितना हो गया है? 2,527 लाख टन हो गया है। 1950 में 508 था। उसके बाद दिनों मतलब अपन ने उपलब्धियां की, विकास हुआ और कृषि क्षेत्र में विकास हुआ, तकनीकी विकास हुआ। उसके बाद अपन 14-15 में ये बढ़कर कितनी हो गई बेटा? 2,527 लाख टन हो गई। फिर विद्युत उत्पादन। योजना काल के दौरान विद्युत का उत्पादन तेजी से बढ़ा। अनेक विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया। ताप विद्युत, जल विद्युत और अणु शक्ति के विकास का प्रयत्न किया गया। विद्युत उत्पादन वर्ष 1950-51 में 5.1 बिलियन किलोवाट था, जो बढ़कर 14-15 सन वर्ष 2014-15 में कितना हो गया बेटा? 1,105.2 बिलियन किलोवाट हो गया। फिर है औद्योगिक क्षेत्र। तो स्वतंत्रता के बाद जो अपने औद्योगिक विकास हुए, मतलब स्वतंत्रता जब प्राप्ति हो गई, अपन ने उसके विकास के लिए कार्य किए, तो फिर उसमें दिनों दिन वृद्धि होने, मतलब कि औद्योगिक क्षेत्रों में भी क्या हुई, अपनी विकास प्रगति की ओर अपन अग्रसर हुए। योजना अवधि में औद्योगिक प्रगति संतोषजनक रही। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के हम सूचकांक की सहायता से मापते हैं। भारत में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 1950 में मात्र 7.9 था, 14-15 में बढ़कर ये 176.9 हो गया। इस बात का सूचक है कि औद्योगिक उत्पादन में भी, के क्षेत्र में भी भारत ने तेजी से प्रगति की और औद्योगिक विकास हुआ। स्वतंत्रता के समय भारत
सुई से लेकर वायुयान तक विदेशों से तथा भारत न केवल सभी तरह से औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है बल्कि इसका विदेश में भी निर्यात करता है। पहले भारत एक सुई से लेकर वायुयान तक कहाँ से मंगाता था? आयात। विदेशों से क्या करता था? आयात करता था। आज भारत औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वयं करता है और विदेशों में भी क्या करता है? निर्यात करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजना काल के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की सुविधा में विस्तार हुआ। देश में अस्पतालों और ग्रामीण दवाखानों की संख्या में वृद्धि हुई। जहां देश में अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव हैं, वहां पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे, तो वहां पर दवाखाने खोले गए, छोटे छोटे हॉस्पिटल खोले गए और उनकी संख्या में क्या हुई? धीरे धीरे वृद्धि हुई। मृत्यु दर में कमी। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार का परिणाम यह है कि 1950 में मृत्यु दर 27.4 प्रति हजार थी, जो वर्ष 2012-13 में 7 प्रति हजार रह गई। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का विकास हुआ तो मृत्यु दर में भी तेजी से क्या हुई बेटा? कमी हुई। फिर है शिक्षा। हर क्षेत्र में शिक्षा का महत्व है बेटा। तो सबसे पहले फिर शिक्षा के क्षेत्र में योजना काल में पर्याप्त प्रगति हुई। नए स्कूलें स्वतंत्रता प्राप्ति, उसके बाद शिक्षा, तब बच्चों की शिक्षा के लिए, विकास के लिए, सबसे उनके सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में योजना काल में पर्याप्त प्रगति हुई। नए स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण केंद्र, विश्वविद्यालय और छात्राओं की बढ़ती हुई संख्या से प्रगति का आभास होता है। वर्ष 1950-51 में केवल 30 विश्वविद्यालय एवं 700 महाविद्यालय थे, जबकि इस समय 757 विश्वविद्यालय और 38,056 महाविद्यालय हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्चतर शिक्षा प्रणाली में कॉलेज की संख्या बढ़कर 54 गुना वृद्धि हो गई। फिर है बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति। इसी प्रकार बेटा बैंक के क्षेत्र में भी प्रगति की। देश में बैंकिंग क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति की गई। जून 1969 में वाणिज्य बैंक की संख्या 8,262 थी, जो जून 2015 में बढ़कर 131,750 हो गई। तो ये आपने क्या पढ़ा बेटा? स्वतंत्रता के बाद भारत का आर्थिक विकास, उसमें जो हुआ वृद्धियाँ, उपलब्धियाँ सभी पढ़ी। तो ये अपने भारत के विकास की योजनाएं और उपलब्धियाँ